जैसे कि अभी इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे पहचानेंगे, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे पहचानेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मान लो ये बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी रोटेट कर रहा है, जब ये रोटेट कर रहा है तो हम लोग देख सकते हैं जब वो ये रोटेट कर रहा है तो एक सर्कल कवर कर रहा है, एक सर्कल बना रहा है। तो ऐसे रोटेट करेगा ये, ऐसे देखो मान लो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इधर तो रोटेट कर रहा है, तो इसका जो ये पार्ट से क्या करे, एक सर्कल लग रहा है, एक सर्कल बना रहा है, पंखा जब घूमते एक सर्कल बन जाता है, वैसे ऐसे ये घूम रहा है तो क्या लग रहा है, एक सर्कल बना रहा है। तो सर्कल का एक सेंटर है, ये घूम रहा है ऐसे, तो सर्कल का एक सेंटर है कहीं यहाँ पर, एक सर्कल बना रहा है, सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर से हम लोग इमेजिन करेंगे एक लाइन पास कर रहा है, सर्कल का सेंटर से क्या इमेजिन करेंगे एक लाइन पास कर रहा है, वो जो लाइन होगा वही क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इससे क्या पंखा जब घूमता है, पंखा जब घूमता है तो पंखा रूफ के साथ एक पतला रॉड से जुड़ा होता है, वो जो पतला रॉड है वो क्या होता है, पंखा जब घूमता है पंखा एक सर्कल कवर करता है, उस सर्कल का जो सेंटर होगा ठीक रॉड उसी डायरेक्शन में रॉड भी होता है, तो रॉड क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पंखा का। तो ऐसे ही अगर हमको जब भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पता करना है तो हम लोग कैसे पता करेंगे, सबसे पहले उस बॉडी को रोटेट कराएंगे, जब बॉडी रोटेट करेगा तो देखेंगे वो एक सर्कल बना रहा है, जैसे पंखा एक सर्कल बनाता है, पंखा जब घूमता है तो एक सर्कल बनाएगा, उस सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन को इमेजिन करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन को पास कराएंगे जो सर्कल का सेंटर से पास करेगा, सिर्फ उसी सिर्फ सर्कल का सेंटर में ही टच करके उस सर्कल का आर पार चला जाएगा।